नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों ने टैली प्राइम 5 इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक टैली प्राइम 5 इंस्टॉल नहीं किया है तो यहां से आप टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर जाके यहां से आप टैली प्राइम 5 को डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों में से जो भी आपको यूज़ करना है आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। साथ में इनका टैली प्राइम डेवलपर का भी 5th वर्जन आ गया है, रिलीज 5, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ TDL वगैरह बना के चेक करेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टैली प्राइम 5 में सेटिंग्स अपने को क्या यूज करनी है जिससे अपना टैली थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और भी अच्छा चले। तो अभी जैसे यहाँ पे ये टैली प्राइम 5 है दोस्तों, तो इसमें आपको डाटा माइग्रेट करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हैं। ये अपना डायरेक्ट GST पोर्टल से कनेक्टेड रहता है और GST का डेटा आप यहाँ पर उठा सकते हैं, यहाँ का डेटा आप GST पोर्टल पर भेज सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो टैली प्राइम 5 की मेरी नहीं देखी तो देखिए, उसमें मैंने दिखाया हुआ है किस तरीके से आप टैली का यूज करके GST पोर्टल पे अपना GST R1 वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों टैली प्राइम 5 का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। सबसे ऊपर में आप कोने पे देखेंगे, यहाँ पे एक बेल आइकन बना हुआ है। जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इसमें जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको इधर दिखते रहेंगे। और साथ ही आप यहाँ पे एक्सचेंज में अगर जाके देखेंगे तो इधर बहुत सारी चीज़ें GST से रिलेटेड यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इसको आप जरूर चेकआउट करिए, पुरानी वीडियो आप जरूर देखिए। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूँगा टैली प्राइम 5 के सेटिंग्स के बारे में। कुछ ऐसी सेटिंग्स जो हमें इनेबल करके रखना चाहिए, हमारे काम की है हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप चलते हैं दोस्तों हेल्प में। तो हेल्प में आपको इधर सेटिंग्स मिल जाएगा। सेटिंग्स में सबसे पहले लाइसेंस वाला ऑप्शन है। तो लाइसेंस में आपका मैनेज लाइसेंस करके है, तो यहाँ से आप लाइसेंस वगैरह अपना मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका लाइसेंस अभी कितने दिन बचा हुआ है, क्या है, कैसा है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज करके है। तो लैंग्वेज में दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले लैंग्वेज करके है और डाटा एंट्री लैंग्वेज करके है। तो अभी अपने को यहाँ पे डाटा एंट्री लैंग्वेज हाइलाइटेड दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप चाहें तो आपका एंट्री का लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई UAE वगैरह में काम कर रहा है तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं कि जो अपने को अरबिक में लिखने रहते हैं, वैसे ही अगर आप मलयालम या कन्नड़ वगैरह चेंज करना चाहें, मराठी में चेंज करना चाहें, कुछ लेजर्स आप उस नाम से बनाना चाहें, तो यहाँ पे आप डाटा एंट्री लैंग्वेज इधर चेंज कर सकते हैं। तो जिससे आपका डाटा एंट्री करते समय आप वो नाम वहाँ पे यूज कर पाएंगे, उसमें कोई एरर नहीं शो करेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या है सेटिंग्स में अपना लैंग्वेज के बाद, फिर यहाँ पे कंट्री है दोस्तों। तो कंट्री में यहाँ पे आप कंट्री वगैरह आपका सेलेक्ट कर सकते हैं और यहीं पे आपको डेट और नंबर फॉर्मेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे अपना डेट और नंबर फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो यहीं चेंज करेंगे। जैसे आपको पहले डेट में डेट दिखाई दे, फिर मंथ दिखाई दे, तो ये डिफ़ॉल्ट सेट रहता है अपना डेट मंथ ईयर। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पहले आपको मंथ दिखाई दे, बाद में डेट आए, फिर ईयर आए, तो वो भी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन भी है कि आप पहले ईयर शो करना चाहते हैं, फिर मंथ, फिर डेट। तो यहाँ से आप डेट का फॉर्मेट टैली का चेंज कर सकते हैं। तो आप जब भी रिपोर्ट वगैरह देखने जाएंगे या एंट्री करने जाएंगे तो आपको डेट उसी फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी यहाँ से आप कंट्री वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका दूसरे कंट्री का है तो यहाँ से आप चाहें तो कंट्री उस डाटा से रिलेटेड चेंज कर लीजिए। उसके बाद फिर और यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों सेटिंग्स में ही। तो सेटिंग्स में अपना लैंग्वेज कंट्री के बाद में स्टार्टअप पर क्या रहा है, तो जैसे आप स्टार्टअप पे जाएंगे यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से शो मोर करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको खुल जाएंगे। अब यहाँ पे लोड कंपनी यानी स्टार्टअप, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप टैली ओपन करें कोई डिफ़ॉल्ट कंपनी जो 10,000 वाली ऐसा रहती है वो सीधा लोड हो के आए यहाँ पे, तो आप यस करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप कंपनी खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नो करेंगे तो अब जब भी आप नेक्स्ट टैली जब ओपन करेंगे तो डायरेक्ट कंपनी ना ओपन होके वो पहले आपको ऑप्शन दिखाएगा सभी कंपनीज की, ये कंपनी है आपके पास में, आप कौन सी ओपन करना चाहते हैं। अब इसमें अगर आप यस करके रखते हैं, मान लीजिए अगर आप यस करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्टेड कंपनी ओपन करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही आप टैली ओपन करें कौन सी कंपनी आपकी ओपन होकर आनी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10,000 ये 1,00,000 जो भी ये सेट रहता है। इसके अलावा आप जो भी चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हर बार जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे तो यही कंपनी आपकी ओपन होके आएगी। अब भले ही आपका यहाँ पे हो या और कहीं भी आपने किसी और डी ड्राइव वगैरह में कहीं रखा हो तो आप वहाँ से भी सिलेक्ट करके इधर ला सकते हैं। तो आपकी कंपनी पूरे कंप्यूटर में जहाँ भी रहेगी, जो भी आपने एक बार पथ वहाँ पर डाल दिया, वो हमेशा वही कंपनी जाके सीधा वहाँ से ओपन करेगी। उसके बाद फिर दोस्तों ऑप्शन है लोडिंग डैशबोर्ड आने कंपनी करके। जैसे ही आप कंपनी ओपन होती है आपकी,
वहाँ पे सीधा सीधा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाए, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यस करके रख सकते हैं। तो जब भी आप टैली ओपन करेंगे, आपकी कंपनी ओपन होगी, तो सीधा सबसे पहले आपको सामने डैशबोर्ड दिखाई देगा, और डैशबोर्ड में आप जानती हैं कौन कौन से फीचर्स हैं उसमें, अपना सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, या बाकी जो भी आप टाइल्स वगैरह वहाँ सेट करके रखते हैं, वो सभी रिपोर्ट्स अपनी डैशबोर्ड में दिखाई देती हैं। तो मेरा, अगर आपने डैशबोर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो है डैशबोर्ड से रिलेटेड। उसके बाद फिर है दोस्तों स्टार्ट एप्लीकेशन इन फुल स्क्रीन करके। तो अब यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज का जो ऑप्शन रहता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टोर डाउन करके मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपकी टैली फुल स्क्रीन में ही ओपन हो, तो आप इसको यस करके रख सकते हैं। तो जब भी आप टैली ओपन करेंगे, आपका टैली फुल स्क्रीन में ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप नो करेंगे तो हमेशा आपका जैसा रहेगा टैली, लास्ट टाइम जैसा आपने ओपन किया होगा उस तरीके से ओपन करके दिखाई देगा। उसके बाद फिर है दोस्तों लॉगिन का ऑप्शन। तो जब भी आप कंपनी ओपन करते हैं, उसमें अगर आपको ऑटो लॉगिन करना है, तो आप यहाँ पे यस करके रख सकते हैं। जब भी आपकी कंपनी ओपन होगी, वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगी, अगर आपका क्रेडेंशियल सेम रहेगा, सेम आईडी पासवर्ड वाली कंपनीज रहेंगी। उसके बाद फिर है दोस्तों टैली प्राइम सर्वर करके। तो टैली प्राइम सर्वर इनका काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, 5 लाख के आसपास का रहता है। अगर आपके पास में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, आप बहुत सारी जगह टैली चलाते हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, ज़्यादा डाटा एंट्रीज रहती हैं, तो आप इनका टैली प्राइम सर्वर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये टैली प्राइम सर्वर से इस टैली को आपको कनेक्ट करना रहेगा। तो ये है कैश साइज ऑफ एसेसिंग डाटा फ्रॉम टैली प्राइम सर्वर। तो आप चाहें तो इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें आपको हाई रखना है, कितना लो रखना है, कितना केस साइज होना चाहिए आपका डाटा का। उसके बाद फिर है दोस्तों बैच प्रोसेसिंग करके, ऑप्टिमाइज बैच प्रोसेसिंग फॉर डाटा ऑपरेशंस करके। मान लीजिए आप कोई डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, अगर आप इसको नो करके रखेंगे तो इसमें क्या होगा, फिर ये एक साथ सभी डाटा को लेगा। या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, एक साथ सभी डाटा को एक्सपोर्ट करेगा, पूरा इकट्ठा करेगा, फिर एक्सपोर्ट करेगा। तो बैच प्रोसेसिंग यस करने से ये बैच वाइज पोर्ट करेगा, जैसे 50-50 एंट्री या 100-100 एंट्री या 1-1000 एंट्री, जितना भी टैली का डिफ़ॉल्ट इसमें सेट होगा, तो उतनी उतनी एंट्री को ले कर ये एंट्री करेगा। तो ये आपका डाटा इम्पोर्ट करते समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, इससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलती है टैली को। तो ये आप हमेशा यस करके रखिए, ये बढ़िया चीज़ है बैच प्रोसेसिंग वाला, अगर आप डाटा वगैरह इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गई यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में टैली सेटिंग्स का। अब वापस से चलते हैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर में। ठीक है, स्टार्टअप वाला सेटिंग हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों आ गया डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग में भी यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है, तो आप इधर शो मोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड, नंबर फॉर्मेट क्या है, कैसा रखना चाहिए, एप्लीकेबल क्या है, कलर एंड साउंड है, तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे दोस्तों ऐड हैं। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे डिस्प्ले नेम ऑफ लेजर्स एंड ग्रुप। ठीक है, तो आपको सिर्फ नेम शो करने हैं कि आपको एलियास शो करने हैं कि आपको दोनों शो करने हैं। अगर आप जैसे दोनों पे सेट करके रखते हैं, तो जहाँ भी जो भी रिपोर्ट आप देखेंगे, आपको नेम के साथ साथ एलियास भी वहाँ पर शो करते रहेगा। तो अगर जैसे बहुत सारे लोग एलियाज में क्रिएट कर लेते हैं, उनको सिर्फ एलियाज चाहिए, तो एलियाज बस शो कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स एक जगह करने से आपके पूरे टैली में इफेक्ट आता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। सेम वैसे ही आपका स्टॉक आइटम के लिए है, तो स्टॉक आइटम में और भी पार्ट नंबर वगैरह हो गए, एलियाज हो गए, पार्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप एक साथ भी शो कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए है, तो एम्प्लॉय अगर आप मान लीजिए पेरोल वगैरह मेंटेन करते हैं, तो एम्प्लॉय के लिए भी सेम वही सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ एम्प्लॉय नंबर चाहिए, आपको एलियाज में जो दिख रहा है वो चाहिए, तो ये सारी सेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और एक बार चेंज करेंगे तो आपका हर रिपोर्ट में वो चीज़ दिखाई देगा, आपका नाम लिखा रहेगा, नाम के आगे उसका एलियाज भी आएगा, पार्ट नंबर भी आएगा, इस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। उसके बाद फिर दोस्तों शो ग्राफ्स इन मंथली समरी। जैसे हम लोग मंथली समरी निकालते हैं, तो वहाँ पे एक ग्राफ टाइप का दिखाई देता है नीचे साइड में, तो ग्राफ आपको यस करके रखना है तो यस कर सकते हैं। यहाँ से आप नो करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। तो मंथली समरी आपका, मैं एक इधर साइड में ओपन करता हूँ एक और टैली, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कोई ग्रुप यहाँ पे एक ओपन कर लिया है, इसमें मैं मंथली में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे नीचे साइड में देख सकते हैं ये एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको हटाना है, तो आप इसको सेटिंग को नो कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऐसे इसको नो करेंगे हट जाएगा, यस करेंगे तो वहाँ पर शो करते रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ दोस्तों सो रिजाइंड इम्प्लाई करके है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप पेरोल डेटा मेंटेन करते हैं, जो जिन्होंने छोड़ दिया है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनका भी डेटा शो करे, तो आप यस कर सकते हैं। सो फाइनल अकाउंट मेनू इन गेटवे ऑफ टैली। तो अब इसमें क्या है, सो फाइनल अकाउंट वाले में जैसे हम लोग अभी यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है, तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट करके नहीं दिखता, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस ऐसा दिख रहा है अलग से। तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइनल अकाउंट में ऐड हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ इसको, और इसको मैंने यस कर दिया,
अब अगर मैं वापस से चलूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर में फाइनल अकाउंट्स करके दिख रहा है। अब इसमें सारी चीज़ें आ गई, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपका फाइनल अकाउंट में शो कर रही है। उसके बाद है दोस्तों डिफ़ॉल्ट फिल्टर मोड ऑफ रिपोर्ट्स, तो आपका फिल्टर मोड कैसा यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अभी फिल्टर का ऑप्शन टैली में आया हुआ है, बेसिक फिल्टर, मल्टी फिल्टर, एडवांस फिल्टर, तो आप जब भी उसमें फिल्टर वाली की दबाएं तो उसमें कौन सा आपको शो करे सबसे पहले यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। उसके बाद फिर यहाँ पर है दोस्तों टेबल करके, तो टेबल वाले ऑप्शन में भी आप चेक करिए, सर्च बिहेवियर इन टेबल, टेबल फर्स्ट कॉलम में सर्च करें, पूरे क्रॉस टेबल में सर्च करें, लिस्ट एलियाज फॉर मास्टर्स इन लैंग्वेज, डिस्प्ले लैंग्वेज ओनली आल लैंग्वेज, जिस तरीके से आप शो कराना चाहते हैं वैसे ही लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स है, यूज कॉमन टेबल फॉर TDS हेल्पर, तो ये जितने भी टेबल हैं आपके, चाहे वो GST से रिलेटेड टेबल हो, TDS से रिलेटेड टेबल हो, तो जितने भी टेबल यहाँ पे टैली में आपके क्रिएट होते हैं सभी के लिए आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग मेथड यहाँ पे आप कर सकते हैं, पेंडिंग बिल्स वगैरह का डिफ़ॉल्ट में कैसा रखना है, इसमें बैलेंस कैसा आना चाहिए, ड्यू डेट आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, तो सारी सेटिंग्स दोस्तों यहाँ से आप एक एक करके चेक करिए, इसको ज़रूर यूज करिए। उसके बाद फिर यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का भी दोस्तों ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टैली में हर जगह करेंसी के साथ दिखाई दे, आपका रुपी लिखा रहे, रुपी के आगे उसका अमाउंट लिखा रहे, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, तो करेंसी के साथ में दिखाई देगा। और यहाँ पे आपका नंबर पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी है, तो नेगेटिव नंबर किस तरीके से दिखेगा, पॉजिटिव किस तरीके से दिखेगा, आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप उसको यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि आपको किस तरीके से नंबर्स रखने हैं, किस तरीके से शो करने चाहिए, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट शो करे कि नहीं शो करे, सी पहले लिखा रहे, CR लिखा रहे, तो ये सारी सेटिंग्स हैं, आपको जैसा अमाउंट चाहिए, जिस तरीके से आपको फिगर शो करना है नंबर्स का, उस तरीके से ये नंबर सेटिंग से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर है दोस्तों एप्लीकेशन करके, इनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर रिपोर्ट्स करके, तो ये भी लेटेस्ट टैली का ऐड हुआ है, इन्होंने टैली प्राइम 5 में इसको ऐड किया है, तो इनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर रिपोर्ट्स करके आप इसको यस करेंगे, तो अब आपका जो भी व्यू आएगा वो हमेशा एक स्ट्राइप व्यू आएगा। ठीक है, सो बॉटम बार आपका ये हर जगह इफेक्ट करेगा। अगर मैं किसी रिपोर्ट्स में चलूँ या किसी लेजर में ही चलूँ, जैसे मैं अभी डे बुक में आया, तो आप देख सकते हैं पट्टी टाइप का बना हुआ है, तो पहले क्या होता था अपने को ऐसा पेंसिल या रूलर लगा के देखना पड़ता था, भाई इसके सामने वाला कौन सा है, या तो हम लोग ऐसा कर्जर ऊपर नीचे करके देखते थे, अभी यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये इस लाइन से रिलेटेड है। अब इसमें आपका जहाँ भी आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बैलेंस शीट वगैरह में जाना है तो बैलेंस शीट में भी हिस्ट्री व्यू आपका दिखेगा, आपको अगर कोई इनवाइस वगैरह प्रिंट करना है तो वहाँ पे भी दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे चलूँ वाउचर के अंदर, तो आप वाउचर में भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊँ तो यहाँ पे भी आप इनेबल करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इधर आप कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ से, तो इस तरीके से दोस्तों आप यूज कर सकते हैं स्ट्राइप व्यू का, जो अभी लेटेस्ट टैली का ऐड हुआ है। इसके अलावा भी बाकी सेटिंग्स भी आप ज़रूर चेक करिए। यहाँ पर डिस्प्ले में चलते हैं जब, तो यहाँ पर कलर साउंड वगैरह वाला भी सेटिंग है, तो इनेबल कलर यस करके रखिए। कलर आपको कैसा रखना है, ब्राइट रखना है, सॉफ्ट रखना है, ये ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें इनेबल साउंड यस करके है, जो क्लिक क्लिक करके आवाज़ आता है, जैसे आप बैक वगैरह करते हैं, अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस वाला जो ऑप्शन यहाँ पे बेल आइकन जो दिया हुआ है, तो बेल आइकन में आपको न्यू नोटिफिकेशंस दिखाई दे, एनी नोटिफिकेशंस दिखाई दे, अनरीड नोटिफिकेशंस दिखाई दे, तो आप नोटिफिकेशंस वाला भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये कुछ सेटिंग्स थी यहाँ पे, तो ये सेटिंग्स हैं दोस्तों अपनी टेलीफाइम 5 के लिए, तो आप इसको ज़रूर यूज करिए, काफ़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।